भाइयों और बहनों, असली बनिया आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया स्टॉक जिसका नाम है अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स। ये कंपनी पिगमेंट्स जो बेसिकली जो कलरिंग के लिए यूज़ होता है, वो कलरिंग के लिए पिगमेंट्स बनाती है। दूसरा सर्फेक्टेंट्स बनाती है। सर्फेक्टेंट्स आपके जो वॉशिंग पाउडर्स हैं, डिश वॉश लिक्विड हैं, इन सब में इस्तेमाल होता है। और तीसरा इनका एक कॉल सेंटर है जो कि जिस पे ये अब लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो इस कंपनी ने एक सर्फेक्टेंट्स का नया प्लांट लगाया है जो कि नए साल में शुरू होने वाला है। तो आइए देखते हैं उसका इस पर क्या अफेक्ट होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ये जो हमने प्रेजेंटेशन या वीडियो बनाया है, ये सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान के लिए बनाया है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप ये वीडियो देख के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेबी द्वारा पंजीकृत किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। बिना सलाह के अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स कंपनी के जो तीन विभाग हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। कंपनी पिगमेंट्स बनाती है, सर्फेक्टेंट्स बनाती है और एक इनका कॉल सेंटर है। कंपनी की जो प्लांट हैं वो चेन्नई में है, रानीपेट में है और दो कॉल सेंटर्स हैं। जो पिगमेंट्स हैं वो आपके पेंट्स, प्लास्टिक, रबड़ और जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें यूज़ होते हैं। और सर्फेक्टेंट्स आपके जो FMCG कंपनीज हैं, बेसिकली जो डिटर्जेंट्स और डिश वॉश लिक्विड बनाती हैं उनमें यूज़ होता है। ये कंपनी जो है ये थिरुमलाई ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी का एक और लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है थिरुमलाई केमिकल्स, जो कि केमिकल के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी है। आइए अब देखते हैं कंपनी के जो तिमाही नतीजे हैं उसमें। अगर आप देखेंगे कि कंपनी की बिक्री थोड़ी बड़ी है लेकिन पिछले कुछ तिमाही में देखेंगे बिक्री सेम सी है। उसका रीज़न क्या है कि कंपनी का जो सर्फेक्टेंट्स का प्लांट है वो 100% कैपेसिटी पे चल रहा है और उससे सेल्स में बिक्री नहीं हो रही है। जैसे ही ये नया प्लांट चालू हो जाएगा तो कंपनी के सर्फेक्टेंट्स की बिक्री और बढ़ जाएगी और जिसका असर आप तिमाही नतीजों पर भी देखेंगे। ये आप देख रहे हैं सालाना नतीजे। इसमें अगर आप देखेंगे कि कंपनी ने जो बिक्री है, अगर आप 10 साल का देखें तो 2010 से लेकर 2019 तक 3 गुना बढ़ गई है। और इसी तरह अगर नेट कमाई देखें तो कंपनी की 5 गुना तक बढ़ गई है, 11 करोड़ से 55 करोड़ तक आ गई है। इसमें इस कंपनी की खास बात देखिए कि पिछले 10 सालों से बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती आ रही है और जो कंपनी का इंटरेस्ट देखें तो वो बिल्कुल जीरो है, यानी कि डेब्ट फ्री कंपनी है। तो ये बहुत ही अच्छे साइंस हैं इस कंपनी के। अभी आगे चलते हैं। ये अगर आप देखें कंपनी अपने जो नतीजे हैं उन्हें 3 सेगमेंट में डिवाइड करती है। एक लॉन्ड्री एंड एलिट प्रोडक्ट्स, इसमें आपके सर्फेक्टेंट्स और पिगमेंट्स आते हैं। एक IT एनेबल्ड सर्विसेज जिसमें कॉल सेंटर आता है और एक विंडमिल। तो कंपनी अभी कॉल सेंटर पे इन्वेस्ट नहीं कर रही है लेकिन कॉल सेंटर जो है कंपनी को कैश फ्लो जनरेट करता है और काफ़ी अच्छा कैश दे रहा है। और कंपनी लॉन्ड्री और एलिट प्रोडक्ट्स यानी कि पिगमेंट्स और सर्फेक्टेंट्स पे अभी नए नया पैसा लगा रही है। अभी हम आते हैं कंपनी के कैश फ्लो पे। कैश फ्लो को अगर आप देखेंगे जो कंपनी के काम धाम से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी कैश जनरेट कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है जिससे लगता है कि जो कंपनी नतीजे दिखा रही है बहुत अच्छे हैं। और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो लोन लिया हुआ था वो वापस किया है और जो नए प्लांट्स में पैसा लग रहा है वो जो कंपनी के नतीजों से जो पैसा जनरेट हो रहा है वही अब नए प्लांट में लगा रही है। अभी आते हैं कि जो कंपनी है वो नई कैपेसिटी लगा रही है वो कहाँ कहाँ है। जो कंपनी का पिगमेंट्स की जो कैपेसिटी है वो 6,000 टन सालाना है जो कंपनी बढ़ाने जा रही है, जो 7,500 टन पर साल। इसके लिए कंपनी 1,500 टन का एक नया प्लांट लगा रही है नेल्लोर में, जिसमें कंपनी को 35.5 करोड़ रुपए लगा रही है। और जो कंपनी की अभी 6,000 टन की कैपेसिटी है उसमें कंपनी अभी 5,300 टन पर पहुंच गई है और इससे कंपनी तकरीबन तकरीबन 100 करोड़ की बिक्री कर रही है साल की। और चूंकि ये 6 महीने साल में कंपनी 6,000 टन तक पहुंच जाएगी और फिर तिमाही नतीजे
सेम ना हो जाएं, इसलिए कंपनी शुरू से ही अभी नए कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ये प्लांट जो है आपका जुलाई 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक चालू होगा। और जो 35.5 करोड़ रुपए है, इसे देख के लग रहा है कि कंपनी जितना कैश जनरेट करती है अपने बिजनेस से उसी से इस प्लांट में लगा देगी और उससे नया लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्फेक्टेंट्स 100% कैपेसिटी पर पहुंच गए हैं और इसकी बिक्री नहीं बढ़ सकती है जब तक नया प्लांट चालू नहीं हो जाता। कंपनी ने बताया है कि जो नया प्लांट है 30,000 टन पर साल का है, वो पहले क्वार्टर नेक्स्ट ईयर के पहले क्वार्टर से चालू हो जाएगा। कंपनी की अगर आप वो देखें, जो रेवेन्यू बिक्री है वो तकरीबन कुल बिक्री का आधा जो है वो सर्फेक्टेंट से आता है। अब आते हैं कि कंपनी के फ़ायदे नुकसान क्या है। कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कंपनी डिविडेंड पेइंग है। अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया। और सबसे अच्छी बात यह है, जितना की कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है उसका 40% तक कंपनी डिविडेंड में दे देती है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 50% से ऊपर है। कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से, पहले की जो कि 18, 19, 20 के आसपास रहता था, वो बढ़ के 25, 26 तक पहुंच गया, जिसे 30% तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि हम नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो नुकसान है इसका, कंपनी के जो रॉ मटेरियल है, अगर उसके प्राइस में उतार चढ़ाव होता है तो उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है। अभी आते हैं कि हमारा फाइनल रिव्यू क्या है। कंपनी अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स का अभी मार्केट प्राइस 195 रुपये है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 10.5 है और जो मार्केट कैप है 570 करोड़ है। इसमें अगर आप देखेंगे, कंपनी 2 करोड़ शेयर तिरुमलाई केमिकल्स के होल्ड करती है, जो कि अगर देखेंगे कुल 150 करोड़ के आसपास है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि कंपनी तकरीबन 20% तिरुमलाई केमिकल्स के शेयर होल्ड करती है और तिरुमलाई केमिकल 20% अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट के शेयर होल्ड करती है। जो अगर हम बात करें पुराने पिछले कुछ सालों के, तो कंपनी का जो पीई है 15 तक है, जो अभी 10 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि हमें उम्मीद है कि इसका जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो बढ़ सकता है और हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। जो उम्मीद करते हैं अगले 3-4 साल में जो कंपनी का बिक्री है वो 317 करोड़ से 550 करोड़ तक जाने की उम्मीद है। जो नेट प्रॉफिट है वो 112 करोड़ तक जाने की उम्मीद है, जिससे कि ईपीएस आएगा 38 के आसपास। तो जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट है, जो इसका प्राइस है वो 575 रुपये तक जा सकता है, पीई ऑफ 15 के बेस पे जो हम उम्मीद करते हैं जा सकता है। इसके बेस पे देखें तो जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से आपको 3 गुना तक फ़ायदा दे सकता है 4 साल के पर्सपेक्टिव से। अगर हम रिस्क की बात करें, इसमें रिस्क मध्यम है और जो इसका प्राइस गिरने की आशंका है वो कम है इसमें। लेकिन दो फैक्टर्स हैं, अगर रॉ मटेरियल के प्राइस में उतार चढ़ाव होता है जिससे कंपनी का नुकसान होता है तो शेयर प्राइस गिर सकता है, तो रॉ मटेरियल के प्राइस का थोड़ा ध्यान रखें। और कंपनी जो नए प्लांट लगा रही है वो समय रहते अगर चालू हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो लेट होते हैं तो उसका ये जो शेयर प्राइस पे प्रभाव पड़ सकता है। ओके, धन्यवाद भाइयों और बहनों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक ये ब्लू कलर के एरो के नीचे दिया गया है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले हफ्ते।